सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाना समेत अन्य योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के उद्देश्य से चल रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ बैठक आयोजित किया। बैठक में बीडीओ ने जनप्रतिनिधियों को सरकार के इस अहम कार्यक्रम को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा किया। ग्रामीणों की छोटी से छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई, ताकि विधवा विकलांग वृद्धों को मिलने वाले पेंशन योजना, जाति जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निर्गत समेत किसी भी प्रकार के आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जा सके। बैठक में गड़िया पंचायत, धारवे, दलहा, नारायणपुर, पसिया, धमनी समेत अन्य पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड कर्मी मौजूद थे। जो कार्यक्रम कराया जा रहा है और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका जन जन तक प्रचार प्रसार कराना हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सभी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए, ग्रामीणों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रोग्राम का सफल संचालन हेतु यह प्रोग्राम बनाया गया है। प्रोग्राम को कैसे कराना है और सभी विभाग का प्रोग्राम और जो एप्लीकेशन आएगा वो ये मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जिला के हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा भी पंचायत में दिए गए आवेदन पर जो कार्रवाई होगी, तक्षण कार्रवाई ऑनलाइन जो होगी वो उसका मॉनिटरिंग हमारे उपायुक्त महोदय और ब्लॉक के माध्यम से किया जाएगा और जो सभी संबंधित विभाग के पास जो भी आवेदन आएगा उसको ऑन स्पॉट उसका निराकरण करना है और जो निराकरण होने लायक नहीं होगा तो उसके बारे में भी उसकी जानकारी ऑन द स्पॉट लाभुकों को मिल जाएगा कि यह काम में किस कारण से त्रुटि हो रही है या किस कारण से नहीं हो सकता है। तो ये सरकार आपके द्वारा ये सरकार की सबसे प्राथमिकता वाली यह प्रोग्राम है जिसमें सरकार पंचायत के थ्रू सभी आम जनता के बीच में जा रही है और आम जनता का जो भी समस्या हो, चाहे पेंशन का हो, राशन का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, वो सारी समस्याएं वो पंचायतों में आके रखेंगे और उसका निराकरण जो है वो पंचायत में ही होगा और इसके लिए जिला से जिला के बड़े पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है और उपायुक्त महोदय का निरीक्षण अभी जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें सतत निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। इन सारी बातों को इस बैठक में चर्चा किया जाना है और उनको बताया जा रहा है।